हेलो हेलो, वीडियो देखने वालों, जी हाँ, रौनक देख रहे हैं, ये तवे सजे देख रहे हैं, खजाना ढूंढा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। कहाँ पे? चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। मैं हूँ इस वक्त सेक्टर 56, जी हाँ, गुड़गांव में, गुरुग्राम। यहाँ पे ढेर सारी कार्ड्स हैं खाने पीने की, और बहुत सालों से इस जगह को कवर कर रहे हैं और हर बार कुछ नया फ्रेश आपके सामने लाते हैं। आज हम आए हैं अमन फिश एंड चिक्स। जी हाँ, मेरे पीछे ये देखिए, दो तीन कार्ट्स हैं और बार तवे सजे हुए हैं, बारबेक्यू है, और उसके बिल्कुल बाहर ये देखिए 7-8 टेबल लगे हैं और यहाँ पे लोग फूड इंजॉय कर रहे हैं। तो लीजिए, सबसे पहले बारबेक्यू देखिए, सजा हुआ एकदम मुर्गा से, मच्छी से, कबाब से। जी ये देखिए, सबसे आगे अफगानी, जी हाँ, अफगानी चिकन, उसके बराबर में चिकन टिक्के हैं, और बराबर में ये देखिए सीख कबाब, जी हाँ, फ्रेशली मेड सीख कबाब हैं यहाँ पे, और ऊपर देखिए, ऊपर वाली रो में ये फिश, जी हाँ, फिश सिंगाड़ा है टिक्के में, और ये देखिए, ये है इनका चिकन, जी हाँ, बर्रा चिकन। तो ये इनके बारबेक्यू के दिखाए, बराबर में ये देखिए ग्रेवी, देखिए ये है इनकी मटन निहारी, मटन के बढ़िया बढ़िया पीसेस, बढ़िया से पके हुए। आप देखिए, अगर कैमरे में दिख रहा हो कितनी शानदार पके हुए हैं, और साथ में ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, ओह, और ये देखिए नीचे धीमी धीमी आंच में पकते हुए, और ये बुलबुले उठते हुए नीचे से। बराबर में चंगेज़ी चिकन है इनका, और ये देखिए तवे पे सजा हुआ इनका चंगेज़ी चिकन, बहुत स्ट्रॉन्ग महक है इस चिकन की, बहुत ज़्यादा, और ये भी नीचे धीमी आँच पर इस वक्त पकता हुआ, लाजवाब। तो ये बढ़िया सेटअप देख रहे हैं, नॉनवेज, जी हाँ, नॉनवेज जिम, और इसी बात पे आप मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने हैं, और जब वो क्रॉस होंगे मुझे गोल्ड प्ले बटन मिलेगा, और वो तभी मिलेगा जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। तो इसी बात पे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अमन जी, कितना टाइम हो गया इसको? वैसे तो सर इस इंडस्ट्री में 12 साल हो गए हैं, 11-12 साल, और यहाँ स्टार्ट किए हुए मुझे 1.5 साल हुआ है। फर्स्ट वेव कोविड जब खत्म हुई थी, देन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020 तब स्टार्ट किया था। और क्या स्पेशलिटी है आपके खाने की? ग्रिल एंड मुगलाई एंड इंडियन। और कितने बजे शुरू हो जाता है आपका? शाम को 5:30-6 बजे टिल 11:30 इन द इवनिंग। और किसी दिन क्लोज भी रहता है? यूजली नॉट, कोई ओकेजन जैसे शिवरात्रि या कोई कुछ ऐसा ओकेजन हो तो हम क्लोज रखते हैं, अदरवाइज तो 7 दिन आपका ओपन है। 7 दिन ओपन है। और आप क्या स्विगी जोमेटो पे भी हैं? नहीं सर, सिर्फ अगर किसी ने खाने आना है तो यहाँ आना है। या और दे एल्स दे कैन बुक द डिलीवरी बाय देयर सेल्फ, इधर ऑन स्विगी, जोमेटो, डुंजो, काफ़ी ऑप्शन है कस्टमर्स के पास, वो हमें डायरेक्ट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और अपना राइडर भेज के पिक करवाते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ बहुत पॉपुलर है, फैमिलीज आ रही हैं, सिर्फ 1.5 साल हुआ है। Yes. क्या प्यार बांट रहे हो कि इतने पॉपुलर हो गए इतनी जल्दी? सर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए इतने साल हो गए हैं, और स्पेशलिटी हमारी कुछ ऐसी है जैसे मुगलई में निहारी हो गई, कोरमा हो गया, स्टू हो गया, ये चीज़ें कर रहे हैं सर, और दिल से खिलाते हैं। मैं खुद सिलेक्शन के लिए जाता हूँ, मटन भी लेना होता है, खुद सिलेक्शन के लिए जाता हूँ, ये नहीं कि किसी वेंडर को कॉल किया और दे गए, ना, सारी चीज़ें खुद की सिलेक्टेड की हुई हैं, इवन चिकन की क्वालिटी भी, चिकन का वेट प्रॉपर चेक करवाना, फ्रेशनेस चेक करना, ये चेक करके उसके बाद ही मैं पिक करता हूँ अपने ऑर्डर्स। और इतना आपका बड़ा मेन्यू है, इतनी सारी खास खास चीज़ें, हम भी यहाँ आने से पहले लोगों से पूछ के आए हैं कि वहाँ क्या क्या खाना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपके पास कोई फूडी आता है, सिर्फ कोई 2 आइटम हो जो आपको लगता है कि कोई भी फूडी आए आपके पास ज़रूर खाए? देखिए, अगर ग्रिल आइटम में खा रहे हैं और थोड़ा स्पाइसी कुछ खाने का मूड है, सो आई विल से चिकन बर्रा और चिकन काली मिर्ची, और एल्स चिकन फ्राई है हमारे पास, ये स्टार्टर आइटम्स में है, और वैसे रेंज हमारी काफ़ी हैवी है स्टार्टर्स की भी। मटन सीख कबाब हमारी खुद की हाथों की बनती है, मिंस भी हम खुद बनाते हैं, इवन चिकन सीख कबाब सॉफ्ट, जूसी और टेंडर, पूरा लैम हम जो यूज़ करते हैं वो उसका थाई का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं रान का, बत्ती का गोश्त, सो वो रान का गोश्त यूज़ किया जाता है उसको बनाने में, सो क्वालिटी में कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारी। रही बात ये स्टार्टर्स की, और मेन कोर्स में जाते हैं तो हम कहते हैं मटन निहारी और तवा चिकन चंगेज़ी, चिकन जहांगीरी, ये 2-3 डिशेज़ हैं जो मुगलें हमारी सुपर हिट हैं। मुँह में पानी आ गया है, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑर्डर निकालो।
मोटी मीट। तो टेबल हमारा सज गया है, कैमरा क्लोज लाइए, आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये है इनका चंगेजी चिकन, ये है मटन निहारी, ये इनके फ्रेशली मेड सीख कबाब ओल्ड दिल्ली स्टाइल। जी हाँ, कितना क्रीमी और कितनी मखनी है। ये है इनका तंदूरी चिकन। जी हाँ, आपने तंदूरी चिकन बहुत खाए होंगे, क्या आपने ऐसा तंदूरी चिकन खाया है? बराबर में ये है फिश सिंघाड़ा और ये है खमीरी रोटी। सारी चीज़ें जितनी भी हमारे टेबल पे सजी हुई हैं, इनके प्राइस डिटेल्स आपको वीडियो पे फ्लैश कर देंगे। सबसे पहले ओल्ड दिल्ली स्टाइल, ये है सीख कबाब। जी हाँ, इसको भी अच्छे से लगा लेते हैं क्रीम और बटर में। फ्रेशली मेड मटन सीख कबाब है, इसका टेस्ट देखते हैं बिना चटनी के। जी हाँ, लाजवाब है। इतनी सारी क्रीम है, इतना सारा बटर है, लेकिन स्टिल सीख के अंदर जो फ्लेवर्स हैं, अदरक का क्या स्वाद आ रहा है, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप इसको बिना क्रीम और मक्खन के भी खाएंगे तब भी बहुत लाजवाब लगेगी। तो ये देखिए तंदूरी, तगड़ी हाथ लग गई हमारे। ये देखिए, ये भी वैसी बिल्कुल कितनी क्रीमी और मक्खनी। इसको ट्राई करते हैं। ओह, क्रीम और मक्खन काफ़ी क्वांटिटी में डाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी फील नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हाई मसाले में फील नहीं कर रही। माइल्ड माइल्ड से फ्लेवर आ रहे हैं। अंदर जो चिकन का पीस है वो बड़ा जूसी है, सॉफ्ट है, ये भी अच्छा है। लेकिन इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ, मुझे सीख कबाब इससे ज़्यादा शानदार लगे। तो चलिए अब फिश इनकी इंजॉय करते हैं। सिंघाड़ा फिश यूज़ की गई है, ये देखिए। और चटनी देखिए, इसके साथ एक अलग टाइप की चटनी सर्व की जाती है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा फ्लेवर है इसका। लाजवाब, और चटनी अनारदाने अमचूर टाइप का फ्लेवर आ रहा है, जो फिश के फ्लेवर को एनहांस कर रहा है। वैसे ही फिश लाजवाब है, लेकिन जब चटनी लगती है मज़ा दुगना हो जाता है। अब इनका चंगेजी चिकन देखते हैं। ये देखिए, काजू और हरी मिर्चों से सजाया हुआ चंगेजी चिकन है, बड़े बड़े पीसेस। ओए हो, देखते हैं। ओए हो, ये देखिए, ओह, बड़े बड़े पीसेस यहाँ सर्व किए जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पीस निकल आया। ये लेग देखते हैं इसको, ये लेग को तोड़ते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, लेग निकल आई है। इसका टेस्ट देखते हैं पहले। देख रहे हैं ग्रेवी कितनी शानदार है, और इतनी शानदार तवे पे लग रही थी। ओह, यहाँ जितनी प्रिपरेशन है ना कहीं उसमें मुगलई टच है। हल्के मसाले, फ्लेवरफुल मसाले, जूसी चिकन पीसेस, मज़ेदार है। तो अब इनका मटन निहारी। ओह, इतने बढ़िया बढ़िया पीसेस। ये देखिए, ये देखते हैं। एक चीज़ खासियत है, हर चीज़ का अलग टेस्ट है, ग्रेवी एक सी नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक कॉमन ग्रेवी ही यूज़ करके बाकी ग्रेवी आइटम्स बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है। और बड़े हल्के मसाले यूज़ किए गए हैं, ये ऐसे मसाले हैं जिसको खाने के बाद आपको छाती में सड़न महसूस नहीं होगी। क्रीमी ज़रूर है, ऑयली ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा है कि छोटी उम्र का, मेरे हम उम्र का बड़ा बुजुर्ग बड़े आराम से खा सकता है। मसाले बड़े ही माइल्ड हैं। और रोटी, ओह, इस रोटी, ये मेरे यहाँ पड़ी हुई थी और जैसे ही सर्व हुई, इतनी प्यारी प्यारी महक, बिल्कुल फ्रेश रोटी, मज़ा आ जाएगा। ये इसकी ग्रेवी में भिगो के खाते हैं हम। ये देखिए,
मजा आ रहा है। आखिरी में एक चीज मैंने नोटिस की, मैं इतनी देर से खा रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें खा रहा हूँ मैं, ये आपको क्रीमी ऑयली जरूर लग रही है, लेकिन ये हैवी नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये हैवी नहीं है, मसाले बड़े माइल्ड हैं। मुझे इनकी प्रिपरेशन अच्छी लगी, और मैं यही कहूँगा, अगर आप कुछ मुगलई स्टाइल ढूंढ रहे हैं NCR में और गुड़गांव आते जाते रहते हैं, तो आपको पता है कि आपने कहाँ आना है गुड़गांव में। रेट भी रिजनेबल है, क्वांटिटी अच्छी है और टेस्ट लाजवाब है। तो लीजिए, यहाँ पे स्नैक्स तो लाजवाब है ही थे, ग्रेवी आइटम्स भी बहुत शानदार थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने गुड़गांव के यारों दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, और अगर आपका गुड़गांव आना जाना होता है खाइए, और वापस आके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। फिर है ना शानदार बात, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।